कमबख्त क्या कर रही है यहाँ पर? डरा दिया। तुम बताओ माँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सब क्या किया हुआ है तुमने? ये सामान क्यों पैक किया? ख्याल आ गया कि ये सब क्या कर रहा हूँ, किस लिए सामान पैक कर रहा हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुम अम्मा अब्बा के कमरे में क्या कर रहे थे? अम्मा इतना तेज बुखार है तुम्हें? पूरा 103 है। अरे रानी, पता नहीं इस बुखार की वजह से जिस्म का एक एक जोर दुख रहा है। पता नहीं क्यों दिल बैठा जा रहा है। अम्मा को संभालो। अम्मा अरे क्या संभालूं रानी, क्या संभालूं? ऐसा भी क्या हो गया अम्मा? बहू ही भागी है ना तुम्हारी। रानी देख, मुझे उसकी बड़ी फिक्र हो गई है, बड़ी फिक्र। इसे मुझे नहीं पता था अम्मा कि तुम्हें अपनी बहू से इतना लगाव और इतनी मोहब्बत हो गई है। काम भी तो वो कैसे भाग भाग के बेटियों की तरह करती थी। मजाल है जो उसके माथे पे कभी शिकन भी आई। हाँ हाँ अम्मा, बिल्कुल सही बात कही तुमने। जैसे मैंने तो कभी बेटी होने का कभी फर्ज नहीं निभाया हो ना। देख रानी, अरे मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुझसे बहस करूं, इसलिए बेहतर होगा कि तू भी अभी मुझसे बहस ना कर और जाके मेरे लिए कोई दवा लेके आ। हम लाती हूँ दवाई, मगर पता नहीं फरीद की तबीयत भी काफी नासाज है। क्यों, उसे क्या हुआ है? पता नहीं क्या हुआ है। खैर मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। हाँ अल्लाह, सर में दर्द हो रहा है। क्या वो पैसे लाए? आना लिया है, परेशान क्यों हो रहा है? थैंक यू यार, एक दूसरी तो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ था, पता नहीं क्या मरे जा रहा था पैसों के लिए। अरे कोई मसला नहीं यार, खैर है। लेकिन भाई मेरी बात सुन, जल्दी पैसे लौटा देना। तुझे पता है मुझे घर पैसे भेजने होते हैं, अम्मा मेरे आश्रय में बैठी हैं यार। अरे हाँ यार, मैं तुझसे लेता ही नहीं कभी ये पैसे। वो तो अगर मैं रानी का जेवर निकालने में कामयाब हो जाता, पर क्या करूं इस राफिया का, पीछे ही पड़ गई है मेरे। हर वक्त उसकी नजर इसी चीज पे होती है, मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा। यार तू वाकई बुरा फंसा यार। हाँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तुझे पता है अब तो रानी को भी मुझ पे शक होने लगा। अबे तो तूने सोचा क्या है यार, क्या सारी जिंदगी इसी तरह उस खुदूसी को पैसे देता रहेगा तू? कुछ तो करना होगा उस खुदूसी को, इससे पहले कि ये और मेरी जान का अजाब बने। अबे तो खुदूसी को छोड़, उसका तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये बता जोया का कुछ पता चला? अरे यार फाड़ में जाए ये जोया, खुद तो भागी है, मेरी जिंदगी अजाब बना के चली। ये पहले ना मुझे खुदूसी से जान छोड़ा, मैंने जोया को मैं बाद में देख लूंगा। अबे कहाँ देखेगा तू उसको, वो तो पहले ही गायब हो गई है। अबे जाना कहाँ है उसे, वापस यहीं आएगी। उसका राफिया के अलावा है कौन? चल यार मैं चलता हूँ, इससे पहले कि रानी मुझे ढूंढती हुई इधर आ जाए और फिर जाके वो कमबख्त तो दूसरी को पैसे भी दे। ठीक है लो अम्मा, बस अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम पर ना ये सब कुछ सूट नहीं करता है। रानी कौन सा मैं खुशी से बिस्तर पे पड़ी हूँ। जब से उस मौत से होके आई हूँ ना,
दिल बड़ा अजीब सा हो गया। ऊपर से घर में आते ही एक पहाड़ टूट पड़ा मुसीबत। अम्मा खुद को संभालो और ये लो दवाई खाओ। रानी हाँ सुन, मैं सोच रही हूँ क्यों ना फोन करके बिलाल को बुला लें। किया तो था तुमने फोन अम्मा, मगर उस बात का कुछ फायदा हुआ? हाँ अगर वो घर आएगा अभी तो कहीं अपनी बीवी के बारे में पूछेगा, हम क्या जवाब देंगे उसे? अरे ऐसे कैसे पूछेंगे, हमसे पूछकर छोड़ा था क्या उन्होंने? और हम क्या चौकीदार हैं उनके? अम्मा अब जो जैसा है ना उसमें खुश रहने की कोशिश करो, और मुझे भी अब अपने मियाँ की फिक्र हो रही है, उसकी इतनी तबीयत खराब है और देखो मैं यहाँ बैठी हुई। हाँ सारी जिंदगी क्या कुछ नहीं किया हमने तेरे लिए, और आज वो मियाँ तेरा जो है वो बस वही सगा हो गया। अम्मा तुम ना पहली माँ होगी जो अपने दामाद से खार खाती है, वरना औरतें तो अपने दामादों को सर पर बिठा कर रखती हैं। हाँ ऐसे दामाद में कुछ गुण भी तो होने चाहिए ना ऐसे कि सर पे बिठाया जाए, ऐसे ही नहीं कोई किसी को अपने सर पे बिठाता। बस कर जाओ और खा लेना दवाई ये दोबारा। और भाभी भाभी प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब बात करने और समझने के लिए रह ही क्या गया है, सब कुछ तो खुल के सामने आ गया है। मेरा यकीन जानिए भाभी, जो कुछ हुआ मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। क्या क्या नहीं पता था? ये कि हमजा इस रिश्ते से खुश नहीं है या ऑलरेडी शादी कर चुका है? देखें भाभी मैं भी ठीक उसी तरह शॉक्ड हूं जिस तरह आप। मैं नहीं जानती थी कि हमजा ये सब करेगा। चलो ठीक है मान लिया कि तुम्हें ये नहीं पता था कि हमजा ऑलरेडी शादी कर चुका है, मगर मैं ये नहीं मान सकती हूं कि तुम ये नहीं जानती थी कि हमजा इस रिश्ते से खुश नहीं है। तुमने जानबूझकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया, ये सब कुछ बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा अपना है। तुमने अपने फ्यूचर के लिए, सोसाइटी में अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमेशा हमजा पर प्रेशर डाला। अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने की तुम खुद जिम्मेदार हो, हमजा नहीं। आप गलत कह रही हैं भाभी, मैंने कभी भी किसी का ना बुरा चाहा है और बिलखुसूस अपने बच्चों का बुरा मैं क्यों चाहूंगी? खैर अब इन सारी बातों के करने का कोई फायदा भी नहीं है, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। अब हर रिश्ता खत्म, हर ताल्लुक खत्म, तो फिर बात करने का भी कोई फायदा नहीं है। भाभी रिश्ते यूं खत्म नहीं होते। लेकिन यहां सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। और हां अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी आस और उम्मीद है कि मैं आमिर की शादी सारा से कर दूंगी तो इस ख्वाहिश को अपने दिल से निकाल दो। मगर भाभी इन सारी बातों में आखिर सारा क्या,
सारा का क्या कसूर है? तो मेरी रिमशा का क्या कसूर था? हमजा ने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है। हमजा या उससे मुतालिक कोई भी शख्स, किसी की भी शक्ल देखना नहीं चाहती हूं। ये क्या है भाई, और इसको यहां क्यों लेके आया है? हाला ये अब मेरी बीवी है। हैं? ए, इधर आ। क्या हो गया अम्मा? क्या कर रही है? वहां कहां जा रही है? कहीं नहीं जा रही थी, क्या हो गया बोलो। अरे किन चक्करों में पड़ी हुई है? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, फरीद की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, उसी को देखने जा रही थी। बस तेरा मियाँ इस दुनिया का वाहिद इंसान है जो बीमार है, और तो लोग इस दुनिया में बीमार नहीं होते कभी है। कभी तूने मेरी और अपने बाप की इस तरह खिदमत की जैसे उसकी कर रही है? हाँ, तुम बीमार पड़ो तब करूँ ना मैं कुछ। अरे वर तेरे मुंह पे कैसी बकवास कर रही है कम्बा। अच्छा अच्छा अब चुप भी कर जाओ अम्मा, इतना बोला नहीं करो, हर वक्त इतना बोलती रहती। कौन है? साहब तुमने किसी से बात की? किस बारे में? क्या बात करते हो, हमारे बारे में और किस बारे में? तुमने किसी से कुछ तो कहा होगा, तुम्हारे घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जोया, तुम अब ओवर रिएक्ट कर रही, कुछ वक्त लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। कुछ ठीक नहीं होगा हमसा, मुझे नहीं लगता। तुम बस मुझे वापस छोड़ के आ जाओ। कहाँ छोड़ा? राफिया आंटी के घर ही छोड़ा, जहां से तुम भाग कर आई थी, जहां फरीद ने तुमसे ज्यादती करने की कोशिश की थी, वहां वापस छोड़ कर आऊं तुम्हें। कहीं पे भी छोड़ के आ, कोई भी जगह यहां से तो बेहतर ही होगी। वजह पूछ सकता हूं मैं? बहुत सारी वजहात है, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि मैं किसी और के निकाह में हूं हमजा, तुम्हारे साथ एक ही कमरे में कैसे रह सकती हूँ? तो तुम एक काम करो, तुम यहां सो जाओ, मैं गेस्ट हाउस में जाके सो जाऊंगा, अब तो कोई मसला नहीं है ना। सिर्फ यही बात नहीं है हमसे, तुमने मेरी वजह से अपनी कजन से मंगनी तोड़ दी, जिसकी वजह से तुम्हारी बहन की मंगनी भी टूट रही है, और तुम कह रहे हो कोई मसला नहीं है। देखो जोया, मैं रमशा से पहले ही शादी नहीं करना चाहता था, और यही बात आमिर की, मैं आमिर से खुद बात करूंगा। और वैसे भी आमिर और सारा का आपसी मामला है, वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो सॉर्ट आउट कर लेंगे खुद। कैसे इंसान हो तुम हमजा, अपनी बहन की लाइफ को इतना फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकते हो तुम? तो और क्या करूं? लुक जोया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कुछ दिनों की प्रॉब्लम है, मुझे बस एक दो दिन दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। यार मैं दादू को तुम्हारी सिचुएशन बताऊंगा और वो समझ आएंगी, आई नो। और तब तक? तब तक तुम इस झूठ को झूठ ही रहने दो, क्योंकि इस झूठ की वजह से काफी लोग उल्टे सीधे काम करने से रुके हुए हैं। लेकिन हमजा, मैं तुम्हारे साथ यहाँ कैसे रह सकती हूँ? बहुत गलत है ये। प्लीज सोया, कुछ दिनों की बात है, फिर सब बेहतर हो जाएगा। जो भी है, तुम्हें इतनी बड़ी बात कहनी ही नहीं चाहिए थी। तो और क्या करता मैं सोया, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था अब सिवाय ये कि मैं अपने झूठ को ठीक करने की कोशिश करूं, मैं कुछ और नहीं कर सकता। ये क्या है भाई, और इसको यहां क्यों लेके आया है? हाला ये अब मेरी बीवी है। हैं? क्या बीवी? बीवी? अरे तूने इससे शादी कर ली क्या? ये तो किसी के साथ भाग गई थी।
नहीं नहीं खाला, ये किसी के साथ नहीं भागी थी, मैंने इससे निकाह किया है। उसके बाद मैं इसको कराची से लाहौर ले गया क्योंकि इसके घर वाले इसके खिलाफ थे। हाँ तो क्यों ना खिलाफ होते भाई, जब लड़कियां इस तरह घर से भाग के खुद से शादी करेंगी तो उनका साथ भला कौन देगा है? और तू इसलिए घर से भागा था ना, इससे शादी करने के लिए मनु से। वैसे अम्मा एक बात तो है, जो हमारे भाई है ना, इनका दिमाग अलीना के चक्करों में चलना बंद कर जाता है। खैर क्या कह सकते, कौन सी नई बात है। खाला मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं, मैं जिस तरह अचानक आप लोगों को छोड़ के चला गया, मेरे हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे, मैं क्या करता, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। तो अब वापस क्यों आए हो भाई? जाहिर है अब खाला की मोहब्बत तो तुम्हें खींच के वापस लाई नहीं, तो मसला क्या है? खाला मैं कितनी मुश्किलात से गुजरा हूँ, क्या क्या मुश्किल मुझ पर आई है, मैं आपको क्या बताऊँ। हाँ और तुम्हारे जाने से हम पे जो मुश्किल वक्त आया उसका क्या, बताओ। खाला उसकी तलाफी मैं करूँगा, बस आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। और ये भी यही रहेगी क्या? जाहिर है खाला बीवी है मेरी, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। अरे कमबख्त तू जानता नहीं है, इसकी शादी वाले दिन बारात नहीं आई थी, पता नहीं कैसी लड़की है ये, और तू कमबख्त तू तो इसके इश्क में दीवाना हुआ फिर रहे और कर ली तूने इससे शादी। खाला मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि किसने अलीना के साथ क्या किया, और मैं घर छोड़ के इसलिए नहीं भागा था कि मैं इसको लेके निकल जाऊंगा। हाँ तो तू मुझसे बदला लेने के लिए इस घर से भागा था,